घाटकोपर के रमाबाई कॉलोनी में ब्यासखोर महिला ने की महिला की हत्या। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई के घाटकोपर से एक खबर आई है दिल दहलाने वाली, जिसमें रमाबाई कॉलोनी में रहने वाले आशीष धोबी ने 5,000 रुपये ब्याज पर एक महिला से लिए थे और ब्याज जो है 20% पर लिया था और इस 20% का ब्याज वो जो है हर महीना देता था। उसके बावजूद महिला को जो है रकम ज़्यादा चाहिए थी ब्याजखोर महिला को, तो उसके बाद वो ब्याजखोर महिला काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान करती थी, जिसके परेशानी के चलते जब आशीष धोबी अपने घर से जो है काम पर निकले तभी उनके घर पर जो है ब्याजखोर महिला आ गई। और ब्याजखोर महिला जैसे ही घर पे आई आशीष के, तो आशीष के घर के अंदर रेखा जो कि उनकी पत्नी है आशीष की, वो मौजूद थी। तो रेखा के सिर पर काफ़ी गंभीर रूप से जो है हमला किया गया ब्याजखोर महिला द्वारा। इस हमले में इस कदर महिला घायल हो गई जिस कारण जो है उसकी मौत हो गई। अब इस मौत के बाद तमाम तरीके के जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि ब्याजखोरी का यह मामला पहला ही नहीं है घाट के ऊपर में जो सामने आया। ऐसा ब्याजखोरी काफ़ी ज़्यादा हो गई है जिस पर पुलिस को जो है अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में DCP जोन 7 के है प्रशांत कदम, उन्होंने क्या पूरी जानकारी दी है वो हम आपको सुनाते हैं। वो पैसे के लिए आई थी तो मेरा चेक मिला था, मैं औरत को बोला, उसको फ़ोन में भी किया था एक बार, मैं बोला अभी चेक मिला नहीं है, चेक मिलेगा तो मैं तुरंत दे दूँगा, ये नहीं कि नहीं दूंगा। वो बोली ठीक है, पहले बोली ठीक है, और आज सुबह मैं निकल गया, वो अचानक में आई, मेरी औरत को मारी। मैं तो इधर नहीं, मैं काम पे था, मेरे बच्चे ने ही बोला कि मम्मी को मारा, बेलन से मारा, उसके बाद वो गई। उसके बाद वो मेरे को चौकी से फ़ोन आया था कि कोई सर ने फ़ोन किया था कि तू पैसा कभी दे रहा है, मेरा सर मैं चेक डाल दिया हूँ, मेरे को पैसा जब आएगा तब दे दूँगा, लेकिन उसने मेरी औरत को मारा। तो वो साहब ने क्या बोला, तू उधर जाके तू पहले अपनी औरत को दवाखाना लेके जा, उसके बाद तू चौकी आ, तेरी औरत कैसी है कैसी नहीं पहले वो देख जाके, मेरे को इतना साहब ने बोला। हाँ, ये पैसा किस वजह से लिया गया था आपने, उससे क्यों पैसा लिया था, कितने ब्याज से लिया था, किस तरह से लिया था? मैं उसे 20% पे लिया था, थोड़ा एक जगह काम फंस गया था इसलिए मैंने पैसा लिया था। मैं उसको बोला मेरे पास जब आ जाएगा तुरंत दे दूंगा, उसको ब्याज में टाइम पे देता था, सिर्फ मुद्दल उसका 5,000 रह गया था मेरे पास, वो उसके लिए आके मेरी औरत को मारी। ऐसे पहले भी किसी औरत को मारा है इसने, औरत ने पहले भी ऐसे? वो मेरे को मालूम नहीं जिस तरह से अभी मारा है आपकी औरतों को, आपकी मांग क्या है अभी, क्या मांग कर रहे हो? मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे पीछे दो बच्चे, नहीं तो मैं भी बच्चे को हैंड ओवर करता हूँ पुलिस के हवाले, मैं अपनी जान देता हूँ, मैं PM हो चुका है, PM हो चुका है, मैं बॉडी हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ये है, इनको मैं माँ बोलता हूँ, हर जगह पे मेरे टाइम पे मैंने बुलाया इनको, क्यों बुलाया, मेरे पीछे रमाबाई में नहीं है ना, मेरी माँ है ना, मैं क्यों बुलाता हूँ, मेरे पास माँ है, मेरे पीछे दो बच्चे, ये लोग को कौन देखेगा, ये किधर है, एक किधर गई, कौन देखेगा ये लोग को? माझी मावशी आहे आणि ती पैशासाठी आलेली, तर ही बोललेली 23 तारखेला मी देते, तरी ती काय बोलली की नाही मला आत्ताच्या आत्ता पाहिजे म्हणून तिने लाटणं घेऊन तिला मारलं। नंतर तरी पण ती बोलली की मी 23 तारखेला देते माझ्या नवऱ्याचा चेक झाल्यावर, तरी तिने ऐकलं ना, तिने त्याला तिला केसाला धरून जोरात आपटली, तसं तिने हेच केलं बेशुद्धपणे, हो स्टार्टिंगला लाटणं मारलं, नंतर त्या लहान बाळाला पण घेऊन उचलून जात होते की नाही पैसे देत नाही तर मी बाळाला घेऊन जाते असं। हॉस्पिटल मग कॉल केला तिच्या हस्बंडला, मग ते लोक तिला घेऊन गेले दवाखाना। पंतनगर पोलीस हद्दे में एक गुना रजिस्टर हुआ है CR नंबर 40/22 IPC सेक्शन 302 अंतर्गत, उसमें एक 25 वर्षीय महिला का मृतदेह सुबह हमको मिला था। प्राथमिक तौर पे ये जानकारी हमको मिली है कि एक 50 ईयर्स की एक उसके नेबर जो औरत थी, उन्होंने उसके घर में घुस के पिछला जो उसके हस्बैंड के साथ, मृतक के हस्बैंड के साथ जो पैसे का व्यवहार का जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के माध्यम से वो घर गई थी और उसने सर पे जो किचन में यूज़ करने वाला बेलन, उससे सर पे मार के उसको 2-3 बार ज़मीन पे प्रेशर करके पटक दिया और उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। IPC 302 अंतर्गत हमने मामला रजिस्टर किया है। कंसर्न मृतक जो महिला है जिसने ये आरोपी है, उसको भी हमने हिरासत में लिया है। क्या करते हैं?
ममता का पूरा नाम क्या है? एक्चुअली अभी ममता का नाम ये इसकी माँ है, उनकी फैमिली का पूरे जनता लो ये देखो उसकी माँ है, ये बहन है, ये बहन की लड़की है और ये खुद की लड़की है। ये का आशीष, ये आशीष ये देखो उसकी माँ है, ये बहन है, ये बहन की लड़की है और ये खुद की लड़की है। ये का आशीष, ये आशीष फोन किसने किया था आपको? कौन से ऑफिसर ने फोन किया? अभी नाम नहीं बताया था। लैंडलाइन से किया था क्या आपको? मोबाइल से किया था। मोबाइल नंबर? हाँ, वो नंबर लोकेशन ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी घाटकोपर पर।